ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग ए टू द बेस 10. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग लॉग एक्स टू द बेस 10. ठीक है, अभी अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे बेस ठीक है दिया गया है, तो बेस वाला हमारा एक ही फॉर्मूला है, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू होता है बेस ए होता है 1 अपॉन लॉग ए इंटू 1 अपॉन एक्स. ठीक है, अभी यह इस ए की जगह यहाँ पे 10 है, ठीक है, और एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन लॉग 10 इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स. ओके, मतलब हमने रिप्लेस किया ए बाय टेन एंड एक्स बाय लॉग एक्स. ठीक है, लेकिन अभी अगर हमने इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव निकाला हुआ है तो फिर से इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है, इसलिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स. सो आंसर आया 1 अपॉन लॉग 10 इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. ओके, सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. अभी देखो ये सेपरेट टर्म है, ये सेपरेट टर्म है, इन दोनों में एक्स है, ठीक है, तो कौन सा रूल रहेगा u इंटू वी. सो पहली टर्म कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो इज इक्वल टू x. अभी यहाँ पे देखो रूट है, ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या रहता है 1 अपॉन 2 रूट x. ठीक है, तो हमारी x की जगह ये वाली टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x की जगह ये टर्म लिखनी है, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव. अभी हमने रूट का निकाला लेकिन इसका भी डेरिवेटिव आता है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. ओके, प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड ओके. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, सो इज इक्वल टू एक्स 1 अपॉन 2 रूट x² माइनस ए स्क्वेयर. अभी देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x माइनस, अभी यहाँ पे डायरेक्टली निकालती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वेयर 0 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. सो इज इक्वल टू एक्स 1 अपॉन 2 रूट x² माइनस ए स्क्वेयर 2x माइनस 0 2x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2 माइनस ए 2 कैंसिल x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर. देखो सिंपल है, u इंटू वी का रूल यहाँ पे अप्लाई किया, रूट वाला एक ही फॉर्मूला है रूट एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट x. सो एक्स की जगह हमारी टर्म ये रहेंगी, तो इसका डेरिवेटिव आया 1 अपॉन 2 रूट x² माइनस ए स्क्वेयर, बट रूट का निकालने के बाद इसका भी डेरिवेटिव आता है, सो इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 2x एंड ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस रूट साइन एक्स. सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव दिया लेफ्ट हैंड साइड को, अभी राइट हैंड साइड को देंगे.
अभी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ किया है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना है। ओके अभी सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकालने होंगे, प्लस डेरिवेटिव लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स। ओके अभी देखो, अभी डायरेक्टली लेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स होता है, सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू साइन एक्स, ई रेस टू साइन एक्स होगा। ठीक है, लेकिन एक साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, हमने पहले इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, मतलब इसका, तो ई रेस टू साइन एक्स का आया ई रेस टू साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ओके प्लस अभी यहाँ पे पावर है, पावर है मतलब हम यूज़ करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का, ठीक है, सो डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, अभी देखो एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स और एन की जगह टू, मतलब ये आएगा टू टू माइनस वन और एक्स की जगह आएगा लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आएगा टू लॉग एक्स टू माइनस वन, टू माइनस वन, लेकिन पावर का निकाला तो डेरिवेटिव आएगा इनटू लॉग एक्स। ओके अभी प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव रहता है वन अपॉन टू रूट एक्स, सो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव रहेगा वन अपॉन टू रूट साइन एक्स, रूट का निकाला अभी डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स का। ओके अभी सिर्फ डेरिवेटिव निकालने, इज इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस टू लॉग एक्स, टू माइनस वन मतलब वन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, प्लस वन अपॉन टू रूट साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, हो गए। देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड एन इज इक्वल टू टू, ये रिप्लेस करो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वाई इज इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स, ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, सिर्फ साइन लॉग एक्स और कॉस लॉग एक्स ऐसे करके, लेकिन अभी हमने कंबाइन इसका डेरिवेटिव निकालना है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है, सेपरेट डेरिवेटिव देना है। ओके सो द डेरिवेटिव ऑफ ए साइन लॉग एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट, ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स इज कॉस लॉग एक्स। ठीक है, सो लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकलता है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी कॉस लॉग एक्स, सो बी इज कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स। ओके सो हमने बी साइड में लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग एक्स होता है माइनस साइन लॉग एक्स। तो हमने इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन यहाँ पे लॉग एक्स है इसलिए इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। ओके सो दिस टर्म एज इट इज, हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है अभी, लॉग एक्स का, सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स।